ऐसी गर्मी पहले कभी देखी? मैंने तो नहीं देखी भाई, 25 साल मेरी शादी को हो गए, बाढ़ में आए हुए मुझे 25 साल हो गए, पर मैंने कभी नहीं देखी इतनी गर्मी। घर वालों ने मना नहीं किया कि बीपी हाई हो जाएगी? घर वाले को मालूम ही नहीं क्या हुआ। अच्छा, घर वाले को बिना बताए आ गए? अगर यहाँ बीपी हाई वगैरह हो गई तो? हो गई, देखा जाएगा। क्लब जाओ मस्ती करने तो वो मना करता, कैसे में नहीं जाना है। गर्मी जीवन में अगर जीना है तो पानी सबसे पहले है। पानी नहीं तो कुछ नहीं है। अगर जीना है तो पानी पीना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे कितने जरूरी है? बहुत बहुत। अब तो लग रहा है वास्तव में एक आदमी को एक नहीं 10 पौधे लगाएंगे तब वो पनपेंगे, क्योंकि 10 में से 8 तो जल ही जाते हैं, 2 बड़ी मुश्किल से पनपते हैं। दोस्तों नमस्कार। 48 डिग्री गर्मी के टेम्परेचर में महिलाएं जो हैं अपने चोले चौकाटे छोड़कर बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची हैं, ताकि गर्मी से किसी भी तरह से पानी से प्यासे रहकर किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरह से पानी की समस्या को लेकर कोई भी किसी भी तरह से परेशान ना हो, पानी को लेकर कोई भी बीमार ना पड़े, इसको लेकर चूल्हे चौकाटे छोड़कर महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम उषा सिंगल है, मैं बाड़मेर से ही हूँ अभी तो। और यहाँ रेलवे स्टेशन पे जल सेवा का प्रोग्राम सुना था, तो हम भी अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे आ गए, क्योंकि पैसों से तो सभी करते हैं, हमको लगा कुछ अपन खुद जाके अपने फिजिकली करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या गर्मी का टेम्परेचर कितना है बाड़मेर? बहुत, पहले तो 48 का सुन रहे थे, अब तो 50 के पार सुन रहे हैं, और 50 तो है ही है। ऐसी गर्मी पहले कभी देखी? मैंने तो नहीं देखी भाई, 25 साल मेरी शादी को हो गए, बाड़मेर आए हुए मुझे 25 साल हो गए, पर मैंने कभी नहीं देखी इतनी गर्मी। तो हस्बैंड मना नहीं करते कि इतनी गर्मी है बाहर नहीं जाना है? ये इस तरह की सेवा के लिए नहीं करते हैं, बाकी आप जाओ क्लब जाओ मस्ती करने तो वो मना करते हैं, कैसे में नहीं जाना है। गर्मी है उल्टा आप उल्टे बीमार पड़ जाओगे, फिर क्या होगा? वो खुद छोड़ने के लिए आए हमको रेलवे स्टेशन, और बोला जाओ, वो भी खड़े हैं कैंपर के पास में, वो भी सेवा दे रहे हैं और हमको भी बोल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मधु सर, बाड़मेर से। कितनी गर्मी है बाड़मेर में? बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चूल्हे चौकाटे छोड़कर पहले यहाँ पे पहुँच गए, फिर लगता नहीं कि खाना बना के आए, जल्दी बना लिया, या आना था तो फिर तो घर वाले मना नहीं करते कि नहीं साहब, साथ में ये रहे मेरे साहब राजा राम जी सराफ, पत्रकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग जो पानी पिला रहे हो आप, अंदर ट्रेनों में पानी पिला रहे हो, लोग बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं लोग? अच्छा लग रहा है उनको, तसल्ली मिल रही है, ठंडक मिल रही है पानी पी के, गर्मी में तो और क्या चाहिए, हवा और पानी, इससे अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जो नगर परिषद की ओर से बाहर रोडों पे जो है पानी छिड़काव किया जा रहा है, वो पानी का रोडों पे छिड़काव करने के अलावा किसी गरीब को पिलाया जाए, वहाँ तक पहुँचा जाए, झुके झोपड़ी के अंदर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इंसान को पीने को मिलेगा। कहीं कहीं वो भी ठीक है, क्योंकि जो इंसान वहाँ से निकलते हैं करते हैं वो भी तो गर्मी से मर रहे हैं, और थोड़ी ठंडक मिलेगी, जमीन थोड़ी ठंडी होगी, तो वो भी ठीक है। देखिए हर जगह की हर परिस्थिति की अपनी एक राय होती है, जो कि झोपड़ी में भी हो वो भी वाली बात सही है, लेकिन इसमें यहाँ छिड़काव का भी बहुत महत्व है। मतलब पेड़ पौधे कितने जरूरी है? बहुत बहुत। अब तो लग रहा है वास्तव में एक आदमी को एक नहीं 10 पौधे लगाएंगे तब वो पनपेंगे, क्योंकि 10 में से 8 तो जल ही जाते हैं, 2 बड़ी मुश्किल से पनपते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा देवी मोदी। क्या उम्र है? 70 साल। 70 साल, आपकी 70 साल उम्र हो गई। क्या आपने ऐसी गर्मी पहले कभी देखी? ऐसे गर्मी पहले कोई 20 साल पहले पड़ी होगी तो पड़ी होगी, अभी तो कुछ नहीं पड़ी। 50+ गर्मी कभी देखी? अभी 50 की है। 50 इस गर्मी में अभी आप यहाँ पर 70 साल की उम्र हो गई, फिर भी जल सेवा करने के लिए पहुँचे? आ गए, हमारी इच्छा थी, मन में इच्छा हो गई कि हमको जाना है, मेरे खुद को इतनी प्यास लगती है तो औरों को भी तो लगती होगी ना, इसलिए। घर वालों ने मना नहीं किया कि बीपी हाई हो जाएगी? घर वाले को मालूम ही नहीं क्या हुआ। अच्छा, घर वाले को बिना बताए आ गए? अगर यहाँ बीपी हाई वगैरह हो गई तो? हो गई, देखा जाएगा। ये सब साथ में है ना, मेरी बेटी है, बहन है, ये फिर हमारी तो है, दूसरी थोड़ी है, ये बेटा साथ में बैठा। तो बहुए मना नहीं करती है कि? कुछ भी मना नहीं करती, कोई नहीं मना करती। मना नहीं करता है, सभी लोग सेवा में आगे तत्पर रहते हैं, बस एक मौका चाहिए किसी को, एक जज्बा चाहिए। क्या नाम है आपका? शंकरलाल मोदी। शंकर जी, पानी इस गर्मी में कितना जरूरी है लोगों को पिलाने के लिए? जीवन में अगर जीना है तो पानी सबसे पहले है। पानी नहीं तो कुछ नहीं है। अगर जीना है तो पानी पीना ही पड़ेगा। नगर परिषद द्वारा रोडों पे पानी छिड़काव किया जा रहा है, वही पानी अगर किसी गरीब को झुकी झोपड़ी वाले को जाके पिलाया जाए तो अच्छा नहीं रहता? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो ये कहते हैं हर दुकानदार को ये कि ये 30x20 का हरे रंग का पर्दा लाए और आपस में जोड़ दे तो पूरा मार्केट को ग्रीन कर देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है बनीर पर पानी ढोलने से। तो ये थे कुछ लोग और कुछ महिलाएं जो चूल्हे चौकाटे छोड़कर 48 डिग्री गर्मी में यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उनको पानी पिलाने के लिए पहुंची थी। राजस्थान राज्य से मैं आपका साथी उमेश बैरानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।